गुड मॉर्निंग साथियों, आज से हम एम कॉम एबीएसटी फाइनल की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, पीजी में तो आप लोगों के सीधे प्रमोशंस हो गए हैं, तो नो डाउट फाइनल की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रमोशन होना भी अपने आप में एक अलग बात है, उसमें आपका वास्तविक वैल्यूएशन नहीं हो रहा है। तो पीजी की क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़ाई करिए अपनी, और जो भी टॉपिक्स है उनको अच्छे से क्लियर करेंगे हम। तो सबसे पहले जो आपकी बुक है एडवांस कॉस्ट प्रॉब्लम्स, उच्च स्तरीय लागत समस्याएं, उसको हम स्टार्ट करते हैं। और उसमें से एक टॉपिक जो है लागत मात्रा लाभ तथा सम विच्छेद विश्लेषण, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, इस टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। तो अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि लागत मात्रा लाभ का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। देखो, जब लागत में परिवर्तन होता है, बिजनेस कोई माल बना रहा है और उसकी लागतों में परिवर्तन हो रहा है, तो लागत में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का जब संबंध बिक्री के साथ लिया जाता है, परिवर्तन का संबंध किसके साथ लिया जा रहा है, बिक्री के साथ लिया जाता है, तो फिर इसे हम लागत और उसका प्रॉफिट देखा जाता है, तो इसे हम लागत मात्रा लाभ कहते हैं। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। सम विच्छेद क्या होता है, ब्रेक इवन। देखो, बिजनेस की वो स्थिति जहां पर जो हम माल बना रहे हैं उसकी लागत और रेवेन्यू, जिसको हम बिक्री कहते हैं, तो लागत और बिक्री जहां पे बराबर हो, ऐसी स्थिति, ऐसा बिंदु जहां पर व्यापार की लागत और रेवेन्यू, बिक्री जो है वो बराबर हो, मतलब ऐसी स्थिति जहां पर व्यापार को ना तो लाभ हो और ना हानि हो, तो उस स्थिति को हम कहते हैं सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्यापार के लिए, क्योंकि यदि सम विच्छेद बिंदु जितनी बिक्री ही व्यापार नहीं करेगा तो उसकी पूरी लागत ही कवर नहीं हो पाएगी, और जब व्यापार की लागत ही कवर नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो नुकसान में जा रहा है, और लॉस में जाने वाले व्यापार क्या काम के होते हैं। इसलिए हमेशा व्यापार ये कोशिश करेगा कि उसकी बिक्री कम से कम सम विच्छेद बिंदु पर पहुंचे, ताकि उसको हानि नहीं हो, और सम विच्छेद बिंदु से जितना अधिक बिक्री हो, जिसको हम सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, तो जितनी अधिक बिक्री होगी उस उतनी बिक्री पे उस व्यापारी को लाभ होगा। तो सम विच्छेद बिंदु एक व्यापारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इस बात को विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। अब इस चैप्टर में आप देखो, हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अपने, अच्छा ये सब चीजें पढ़ने से पहले एक बेसिक पॉइंट जो होता है उसका थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। एक बात यदि मैं कहूं कि एक व्यापार की बिक्री जो सेल्स, वो किसके बराबर होती है, तो सेल्स के लिए आप कह सकते हो भाई सेल्स का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेकिन मैं कहूं कॉस्ट के भी दो टुकड़े हम कर सकते हैं,
व्यापार में एक वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत होती है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये एक समीकरण सी बन जाती है अपने पास में, एक इक्वेशन सी बन जाती है कि बिक्री जो होती है वो परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत और लाभों का योग, ठीक है ना। अब हम एक एक पॉइंट लेते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है अपना अंशदान, कॉन्ट्रीब्यूशन। अंशदान का सीधा सीधा संबंध एक तरह से लाभ से लिया जाता है, लेकिन वास्तव में लाभ नहीं। अंशदान में लाभ के साथ स्थायी व्ययों को भी शामिल कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक व्यापार को यदि आप टेम्परेरी बंद भी कर दो तो स्थायी व्यय तो लगते रहेंगे। एक तो व्यापार होता है पूर्णतया बंद हम कर दें, तब तो हमारे सारे खर्चे बंद हो जाएंगे। भाई व्यापार ही बंद हो गया है तो सारे खर्चे बंद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप किसी बिजनेस को थोड़े समय के लिए बंद करते हो तो स्थिर खर्चे तो लगते रहेंगे। स्थिर खर्चे लगते रहेंगे, जैसे मान लो बिल्डिंग का किराया है। अब आपने 6 महीने के लिए व्यापार भले, अब जैसे लॉकडाउन पीरियड था, ये तो चलो सरकार के इंस्ट्रक्शंस थे तो कुछ लोगों ने अपने किराएदारों के किराए माफ कर दिए, लेकिन मोस्टली किराया देना पड़ा लोगों को। भले लॉकडाउन में 3 महीने व्यापार बंद रहा, लेकिन जो फैक्ट्री का किराया है, दुकान का किराया है, वो उनका लग रहा था। फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी उनको देनी पड़ रही थी। तो ये ऐसे स्थिर खर्चे हैं जिनको व्यापार बंद होने के बाद भी बचा नहीं जा सकता। तो इसलिए स्थिर खर्चों को भी अंशदान में, कंट्रीब्यूशन में शामिल कर लिया जाता है। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत हम घटा दे तो उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन, अंशदान। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन। अब देखो ये जो इक्वेशन बनाई है मैंने, इसमें वेरिएबल कॉस्ट को इधर ले आऊं मैं तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी हो रहा है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट की जगह यहां पे मैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी लिख दूं तो ये भी किसके बराबर है, कंट्रीब्यूशन के बराबर है। तो मतलब कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले बन जाते हैं अपने पास में अंशदान के। यदि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएं तो भी वो अंशदान है, कंट्रीब्यूशन है, और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को जोड़ दें तो वो भी क्या है, कंट्रीब्यूशन है। तो अंशदान जो होता है वो प्रॉफिट प्लस स्थिर व्यय, फिक्स्ड कॉस्ट का योग होता है। क्यों करते हैं, समझ गए ना आप बात को? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा लगेगी, भले आप कुछ समय के लिए व्यापार बंद कर दो तो भी फिक्स्ड कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी आपको। तो आपको बिजनेस में कम से कम प्रॉफिट जो है वो इतना कमाना पड़ेगा कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो जाए उससे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है लाभ मात्रा बिंदु, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या शॉर्टकट में हम कहेंगे इसको पीवी रेशियो। लाभ मात्रा बिंदु मतलब जो अंशदान है उसका विक्रय पर कितना प्रतिशत है, मतलब आप जितना विक्रय कर रहे हो उसका कितने प्रतिशत हमारा अंशदान होगा, वही हमारा लाभ मात्रा बिंदु है। क्योंकि उस स्टेज को हम लाभ मान रहे हैं। भाई एक बात सोचो, आज लॉकडाउन में 3 महीने मेरा बिजनेस बंद पड़ा था, महीने का 50,000 रुपये किराया लग रहा था फैक्ट्री का, 50,000 रुपये सैलरी लग रही थी, 1,00,000 रुपये खर्चा लग रहा है, मतलब 1,00,000 रुपये मेरे जेब से लग रहे थे। अब मान लो मैंने 3 महीने बाद में बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना, और पहले महीने में मेरे को 30,000 रुपये का लाभ हुआ सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जो होती है परिवर्तनशील लागत,
वो घटाने के बाद मुझे लाभ कितना हुआ 30,000 रुपए। तो वास्तव में देखा जाए तब तो मेरे को हानि हो रही है, क्योंकि मेरे स्थिर व्यय कितने हैं 1,00,000 रुपए के, और कमा कितने रहा हूं 30,000, तो कुल मिला के 70,000 का नुकसान ही है। लेकिन कुछ राहत तो मिली है ना मेरे को, आज बिजनेस बंद रहता तो मेरे को नुकसान कितना हो रहा था 1,00,000, आज चालू कर दिया तो अब धीरे धीरे सेल अभी कम हो रही है क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोगों ने मार्केट जाना कम कर दिया है, अभी इतना मार्केट नहीं जा रहे हैं, तो सेल्स नो डाउट कम हो रही है, लेकिन कुछ राहत तो मिली ना मेरे को, कुछ माल बिका उससे मेरे को 30,000 का लाभ हुआ महीने का, तो अब मेरा नुकसान तो 70,000 ही रहा ना, कहाँ 3 महीने तक मेरे को 1,00,000 का लॉस हो रहा था, अब कितने का लॉस हो रहा है 70,000 का ही हो रहा है। और आपको पता है व्यापारी आशावादी होता है, वो सोचेगा कि भाई आज 30,000 रुपये कमाए हैं, अगले महीने 60,000 कमाएंगे, उससे अगले महीने 1,00,000 कमाएंगे, फिर 2,00,000 कमाएंगे, फिर 5,00,000 कमाएंगे, तो धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो भले आज 70,000 का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी 30,000 रुपये हमारे कवर हो चुके हैं, है ना। तो ये 30,000 रुपये एक तरह से प्रॉफिट ही है उसके लिए, भले उसको लॉस हो रहा है, लेकिन 30,000 रुपये एक तरह से उसके लिए क्या है, प्रॉफिट है। इसलिए प्रॉफिट वॉल्यूम जो रेशियो होता है उसको कंट्रीब्यूशन के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो कंट्रीब्यूशन का सेल्स पर कितना प्रतिशत है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, मतलब बिक्री का कितना प्रतिशत हमारा अंशदान है, वो अपना पीवी रेशियो होगा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस वी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इन टू 100, तो भी सही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट की जगह फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं हम, बटा सेल्स इन टू 100, तो भी सही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो, भाई आज आपकी बिक्री 100% है, उसमें से 40% वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 40% है, है ना। तो आप सोचो 100% में 40% यदि वेरिएबल कॉस्ट है तो 60% क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। तो यदि एक मतलब 100% हो गया, तो एक में से वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 40% मान लो घटा दिया तो 60% पे भी रेशियो आ गया, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और आपको ध्यान रखना पड़ेगा पीवी रेशियो का, यदि प्रश्न में अपने को दो अवधियों की सूचना दे रखी हो, दो अलग अलग अवधियों की सूचना यदि प्रश्न में दे रखी है तो पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उस समय थोड़ा फॉर्मूला अलग हो जाएगा। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होगा चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100, मतलब प्रॉफिट में कितना चेंज हो रहा है दो अवधियों में, एक अवधि में मान लो 50,000 का प्रॉफिट है और एक अवधि में 70,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ 20,000 का। सेल्स में कितना चेंज हुआ एक अवधि और दूसरी अवधि की सेल्स का कंपेरिजन करेंगे, तो जितना सेल्स में चेंज हो रहा है उतना यहाँ लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पीवी रेशियो आ जाएगा। तो नॉर्मल परिस्थितियों में तो पीवी रेशियो इन फॉर्मूलों से निकालना है अपने को, और यदि दो अवधियों की सूचना अपने को दे रखी है तो उन दो अवधियों की सूचना दे रखी है तो फिर पीवी रेशियो निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज आपको करना है, ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो अभी इस वीडियो में आज मैंने आपको दो पॉइंट डिस्कस किए हैं, एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन बताया है अंशदान, ठीक है ना, तो अंशदान के भी फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको क्योंकि ये सब काम आएंगे अपने आगे क्वेश्चंस करेंगे तब, और एक पीवी रेशियो लाभ मात्रा बिंदु, अभी कुछ पॉइंट्स और है उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और इनके ऊपर और कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है अपने को। लेकिन जितना आज आपको वीडियो में बताया गया है उसको ध्यान से देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप आराम से पूछ सकते हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है डिस्कस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना डेली का डेली आप समझिए, पढ़िए, ताकि कुछ न कुछ तो पढ़ाई हो पाए। वैसे ही ऑफलाइन क्लासेस तो बंद है, ऑनलाइन ही चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपकी पढ़ाई होती रहेगी, खाली नहीं बैठे रहोगे। और उसके बाद जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी
तब आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्य चीज यही है कि आप अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखें, ठीक है ना। जितनी भी मिल रही है, जितना भी मटेरियल मिल रहा है, उतना एक बार करिए, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो देखो ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जा सकता, पढ़ाने में तो एक घंटा ही पढ़ा दे, लेकिन हम 15-20 मिनट का वीडियो बनाते हैं, वो भी 2 GB का बनता है। 2 GB का वीडियो YouTube पे अपलोड करेंगे तो 2 GB इंटरनेट चला जाता है। अब 1 घंटे का बनाए तो 10 GB चाहिए रोज का इंटरनेट, आपको पता है, तो इतना इंटरनेट लाए कहाँ से, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, जितना आप लोगों को हम दे सकते हैं देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए। कोई प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना है, आराम से डिस्कस करिए, कोई प्रॉब्लम। धन्यवाद।